हिस्सा रोका। पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, निकाय चुनाव पर लगाई रोक। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने दिया इस्तीफा, सीएम नीतीश कुमार ने दी इस्तीफे को मंजूरी। जदयू के जिला अध्यक्ष बने जनार्दन निराला, जिला अध्यक्ष ने कहा जिम्मेदारियों का ईमानदारी से करूंगा निर्वहन। बड़ोदरा में ऑटो रिक्शा और ट्रक की टक्कर, 7 लोगों की मौत, 7 जख्मी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं बिहार की खबरों के साथ। पटना में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया था, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति गर्म हो गई थी। वहीं सीएम नीतीश ने सुधाकर सिंह के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए उसे राज्यपाल फागू चौहान के पास भेज दिया था, जिस पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कोई नई बात नहीं है और इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो वहीं इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, आइए आपको सुनाते हैं। कैमूर में पंचायती राज प्रकोष्ठ जदयू के जिला अध्यक्ष बने जनार्दन निराला के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया, साथ ही कहा कि क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो वहीं जिला अध्यक्ष ने जेडीयू कार्यालय दुर्गावती पर प्रेस वार्ता कर कहा कि मुझे जैसे छोटे तबके के युवा को इस पद के लायक पार्टी के वरिष्ठ जनों ने समझा, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही कहा कि पद पर रहकर मैं अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी और सफलतापूर्वक निर्वहन करूंगा। पंचायती राज प्रकोष्ठ जदयू के जिला अध्यक्ष पर मुझे पार्टी के द्वारा चयनित किया गया है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अलावे मोहम्मद जमा खां, बिहार सरकार में मंत्री, जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे ऐसे छोटे तबके की युवक को पार्टी में इस पद के लायक समझा है। इस पद पर आसीन रहते हुए पूरी ईमानदारी और स्वच्छता से अपने पद का निर्वहन करूंगा। क्षेत्रवासियों का कोई भी अपने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों तक पहुंचाकर समस्याओं का निष्पादन करने का प्रयास करूंगा। इसके लिए नवरात्रि के अवसर पर प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को शुभकामना देता हूँ कि शांति माहौल में बनाकर पार्टी और सरकार के दिशा निर्देश को पालन करते हुए दशहरा के पर्व मनाएं। लखीसराय जिले के चानन मननपुर में दुर्गा पूजा लगने वाला मेला 9वीं को फीका पड़ गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह बारिश रही, जिसके चलते श्रद्धालु की संख्या मंदिरों में कम दिखाई दी। तो वहीं दुकानदारों के चेहरे पर भी मायूसी दिखाई पसरी हुई। नवादा में एक सनकी दामाद ने अपनी सास और पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। जानकारी मिली, पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और जांच में जुट गई। तो वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार आरोप है कि घटना को अंजाम तब दिया गया जब मोहल्ले के लोग देवी मंदिर में चल रहे प्रवचन को सुन रहे थे। पूरा मामला हिसुआ नगर परिषद क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी का है। एक दिन आया वहां से और हमारा बच्ची के नरेटा दाबा और कहा कि चल, नहीं तो थोड़ा जान मार दे। हमारा बच्चे कहा कि पापा से हम चल जाइए, जो बेटी के ब्याह दे तो माय बाप के बोझ उतर जाए, हम अपन घर जाइए। अरे ठीक है बेटा, वह समझिया हम फोन किए कि बल तुहरे हालत होने बेटवा रोजगदी करल जी, तभी सावन में जाहिर रोजगदी हो भाई जी,
तो नई सब युग जमाना खराब है, बचवा के अथी की करबे। अब बचपो के जे है से गोली तानत रहा, समय चचवो के तानत रहा, ओकर चचिया के तानत रहा छोटकी पर। कैमूर के आधौरा में बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आदिवासी परिवार और वनवासी आधौरा फॉर्मर प्रोड्यूसर के आयोजित कार्यक्रम की समीक्षा की, जहां लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि हम सत्ता बदलाव के लिए आए हैं, हम सत्ता में यथास्थिति बरकरार रखने के लिए नहीं आए हैं। बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।